हे गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों के मज़े हो रहे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं सर। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 और चैप्टर 9 रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर 6 है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और चैप्टर 9 है सर फॉरेन कंपनी, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर, चैप्टर 1 से 5 हमारा रिविजन वीडियो हो चुका है अपलोड, वो भी आप देख सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे सर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके भी अलावा जो आगे की कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स हैं, वो भी आज ही अपलोड होंगे, आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक अपलोड हो जाएंगे। बस बने रहो सर, और सारा रिविजन टू द पॉइंट हो जाएगा। चैप्टर 6 क्या है सर? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पूरी तेजी से करेंगे। आपको प्लीज होश में आकर के देखना पड़ेगा। अगर आप बेड में लेटे हुए हो, सोच रहे हो आराम से देख लूंगा, नहीं काम बनेगा सर। होश में आओ और एकदम तेजी से सुनो, चैप्टर यूं खत्म हो जाएगा। बहुत चैप्टर, छोटा चैप्टर है सर। सर, सेक्शन 241 से शुरू होता है, 246 में खत्म होता है। इसमें केस लॉस का बड़ा खेल है। कंपनीज एक्ट में ये एक ही चैप्टर है जहां पे केस लॉस का बड़ा खेल है। सर, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या केस लॉस है सर? पहले मैं आपको केस लॉस बता देता हूं, जिसका आपको कोटेशन देना पड़ सकता है आपके आंसर्स में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, फॉस वर्सेस हार्बोटल सर, यही जड़ है। ये ना होता तो ये चैप्टर ही ना होता। फॉस वर्सेस हार्बोटल क्या कहता है सर, सुनिए। फॉस वर्सेस हार्बोटल ये कहता है कि इनका केस हुआ था सर, वो जो कंपनी थी वो बहुत मिसमैनेजमेंट कर रही थी, उन्होंने एक फार्म हाउस खरीद रखा था, उसको मिसयूज कर रहे थे। अपने को वो स्टोरी सब नहीं जानना है सर। द कोर पॉइंट इज देयर वर टू कंक्लूजंस दैट केम आउट ऑफ द फॉस वर्सेस हार्बोटल रूल। पहला प्रॉपर पैरेंटिव रूल, दैट इफ समथिंग रॉन्ग डूइंग इज हैपनिंग अगेंस्ट द कंपनी, देन द कंपनी इज द प्रॉपर पैरेंटिव एंड नॉट द शेयर होल्डर्स और इंडिविजुअल शेयर होल्डर। सो प्रॉपर प्लांटिव रूल सेज दैट कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर टू सेपरेट आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल शेयर होल्डर के नॉट सू फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द कंपनी। और दूसरा सर, मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल ये कहता है कि If alleged wrongdoing can be confirmed and ratified by a simple majority of the members, then the court will not interfere. मतलब सर, अगर आपने कंपनी ने कुछ गलत किया और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ने, गलत मतलब इलीगल नहीं किया सर, शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट कुछ किया और शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी ने रेटिफाई कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप उसके आगे नहीं जा सकते, कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा सर। बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस वाले केस लॉ के, उसके अलावा सारे केस लॉस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड सर, ये केस लॉ था जिसने डिफाइन किया व्हाट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन शैल एट द लोएस्ट इन्वॉल्व विजिबल डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर डीलिंग। जो फेयर डीलिंग है उससे विजिबल डिपार्चर होना चाहिए। राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णा, राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णा ये कहता है सर, इफ एन ऑपरेशन इज हैपनिंग अगेंस्ट यू, इट शुड हैपन इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर और क्रेडिटर्स। अशोक बीटल नेट वर्सेस एम के चंद्रकांत सर, कंटिन्यूस लॉसेस ऑफ अ कंपनी इज नॉट ऑपरेशन अगेंस्ट मेंबर। मैं कैसे याद करने बोलता हूं, मिस्टर चंद्रकांत बेवकूफ थे, अरे लॉस हो रहा है तो थोड़ी आप ये क्लेम करोगे ऑपरेशन हो रहा है। मिस्टर एम के चंद्रकांत वाज नॉट सेंसिबल पर्सन। थॉमस विडॉन वर्सेस कुतानाद रॉबर लिमिटेड, ये क्या कहते हैं सर, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो इट इज नॉट एन ऑपरेशन अगेंस्ट द मेंबर। राजा मुंद्री इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव, इसको भी AIR आए थे सर। सुनिए, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर आपने जब पिटीशन फाइल कर रहे हो, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो एप्लीकेशन फाइल करते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि जितने शेयर होल्डर्स हमको मिनिमम चाहिए, क्या उतने का कंसेंट मिला है क्या। सब्सिक्वेंटली अगर सर कंसेंट विड्रॉ हो जाता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। द लिमिट विल हैव टू बी चेक्ड ऑन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। लास्ट सर, ये एग्जाम में क्वेश्चन में आया था, वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर वर्सेस मार्गरेट टी डिसोर एंड अदर्स। सर, अगर कोई मेंबर है, मेंबर की डेथ हो गई है, उसका डिसीज्ड जो लीगल हायर है वो जाकर के केस करना चाहता है ऑपरेशन का, ही इज वेरी वेल विद इन हिज राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हिज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और नॉट। सर, सेक्शन 241 से एक बार याद करेंगे, प्लीज मेरी बात सुनते जाना। 241 ये है सर, अगर आपके अगेंस्ट ऑपरेशन या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो आप एप्लीकेशन दोगे ट्राइब्यूनल को फॉर रिलीफ इन द केस ऑफ ऑपरेशन। कौन देगा सर? सिर्फ मेंबर दे सकता है, डायरेक्टर नहीं दे सकता। एनी मेंबर हु कंप्लेन्स दैट ईदर दिस टॉक्स अबाउट ऑपरेशन, दिस टॉक्स अबाउट मिसमैनेजमेंट। क्या कहते हैं सर? अगर कंपनी के अफेयर्स जो है आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर्स और एनी अदर और द कंपनी इटसेल्फ, और देयर इज अ मटेरियल चेंज, नॉट बीइंग अ चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और मेंबर्स, इन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी हैज टेकन प्लेस by the alteration of board of director, ownership or membership, and as a result of such change, affairs are likely to be prejudicial to the interest of the members. Sir, या तो affairs conduct हो रहे हैं जो prejudicial है members को, creditor, members को, public interest को या company को, या फिर कोई ऐसा material change हो रहा है board of director में, ownership में या membership में, जिसके वजह से prejudiced होगा, तो sir member apply कर सकते हैं tribunal को जो order उनको चाहिए, subject to limit under section 244. Sir, central ऊपर कौन एप्लीकेशन दे रहा है सर? ऑपरेशन का मेंबर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है ट्राइब्यूनल को, अगर उसको लगता है अफेयर्स आर कंडक्टेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट से मतलब है, उसको मेंबर से या फिर कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व जो गिल्टी है फ्रॉड और मिसफियसेंस, या फिर जो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से बिजनेस नहीं चला रहा है, या फिर ही इज कॉजिंग डूइंग सच एक्ट विच विल कॉज सीरियस इंजुरी टू ट्रेड या इंडस्ट्री या बिजनेस। मैंने आपको बताया था सूरत में डायमंड का बिजनेस करता है वो, ऐसा
ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरा डायमंड मार्केट खराब हो जाएगा, या फिर सर वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फिर फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस और इन ए मैनर विच इज प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो सर उसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, केस इनिशिएट करेगा और उसको रेफर कर देगा ट्राइब्यूनल को। सर केस इनिशिएट हो रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, मतलब सर मान लो ए लिमिटेड में अगर गगन नाम का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और गगन गलत कर रहे हैं तो गगन के अगेंस्ट केस इनिशिएट होगा और ट्राइब्यूनल को बोला जाएगा कि भैया तुम इंक्वायरी करो और डिसाइड करो कि ये जो गगन है ना वेदर ही इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स। मतलब सर इतना बड़ा पोजीशन गगन क्या होल्ड करने के लिए फिट एंड प्रॉपर है? सर इसका बहुत इंप्लीकेशन है, अगर ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा 5 साल के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। सर जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन होता है वो रिस्पॉन्डेंट कहलाता है और आपको कंसाइज स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ता है और साइन करवाना पड़ता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से। सर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन है, बेसिकली वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए होते हैं उसका क्रक्स उठा करके मैं डाल देता हूं। सर क्या एप्लीकेशन तब भी कर सकता है अगर ऑपरेशन पास्ट में हुआ हो? अभी नहीं, पहले हुआ था ऑपरेशन। यस सर, एप्लीकेशन अंडर पास्ट एक्ट इज ऑल्सो कवर्ड। सर उसके बाद मैंने बोला कि अगर कोई डायरेक्टर है जिसके, अगर डायरेक्टर एप्लीकेशन दे रहा है ऑपरेशन का, डायरेक्टर नहीं दे सकता सर, लेकिन वही डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर है ना और शेयर होल्डर की कैपेसिटी में ऑपरेशन हो रहा है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। मतलब सर ये पूरा चैप्टर सिर्फ शेयर होल्डर के लिए बना है, शेयर होल्डर ये नहीं क्लेम कर सकता कि एक डायरेक्टर है जो उसको कम मिल रहा है दूसरे डायरेक्टर से तो ऑपरेशन है। मतलब सर अगर एक स्मॉल शेयर होल्डर लोगों ने मिलकर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया और वो बोल रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को बाकी लोगों से कम दे रहे हैं तो नहीं चलेगा सर, वो पावर डिसाइड करने का बोर्ड है, बोर्ड के पास है और लॉ में पूरा क्लियरली लिखा है किसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, यू आर नॉट द वन हु विल डिसाइड। उसके बाद सर लीगल हायर क्या केस कर सकता है? मैंने आपको क्लियरली ऊपर बताया था वो केस लॉ में वर्ल्ड वाइड एजेंसी वाले में कि केस कर सकता है लीगल हायर भी। सर अगर आप डीलर ऑफ कंपनीज ऑफ प्रोडक्ट किसको बना रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। और सर ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड मियर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स बिटवीन डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन वन सेट ऑफ मेंबर्स और अदर्स। सर अगर कंपनी के अंदर क्या झगड़ा है ना उससे ऑपरेशन नहीं होता सर, ऑपरेशन मतलब विजिबल डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर डीलिंग कम से कम होना चाहिए। सेक्शन 242 क्या है सर? पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल। सर 241 के बाद टेक्निकली अपने को 244 पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ लेते हैं। 244 क्या है सर? अगर आपको 241 में जाके एप्लीकेशन देना है ना आपको मिनिमम लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सर कितने मेंबर जाके एप्लीकेशन देंगे डिपेंड करता है कंपनी के पास शेयर कैपिटल है कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और सच मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर 1/11 ऑफ द मेंबर्स जाकर के एप्लीकेशन देते हैं क्या शेयर कैपिटल, क्या एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा? 1/11 ऑफ द मेंबर्स सर, 1/11 1/10 से ज्यादा है तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा क्या? ठीक है, अरे नालायको 1/11 कम है 1/10 से, तो आपको 1/10 मतलब कम से कम 10% चाहिए तो आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते सर। अगर 1/9 है 1/5 है 1/2 है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो सर, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और सर अगर एक कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। सर ट्राइब्यूनल भी एप्लीकेशन दे, ट्राइब्यूनल में अगर उसको एप्लीकेशन आया है वो वेव ऑफ कर सकता है रिक्वायरमेंट टू एनेबल दिस अंडर सेक्शन 241। सर मैंने आपको क्लास में बताया था रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का जो केस हुआ था, साइरस मिस्त्री के पास इतना मिनिमम शेयर होल्डिंग नहीं था तो उसका एप्लीकेशन 244 में एडमिट नहीं हो रहा था, तो उसने फाइल किया था ट्राइब्यूनल को कि भैया मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं है, क्या तू ये ग्राउंड वेव ऑफ कर देगा? एनसीएलटी ने मना कर दिया, बोले चल निकलो। उसके बाद सर जॉइंट शेयर होल्डर इज इक्वल टू 1 मेंबर, मतलब सर अगर आपके एक शेयर्स मल्टीपल लोग होल्ड करते तो उसको एक ही मेंबर गिना जाएगा। अगर सर मेंबर यहां पे इतने सारे लोग मिलकर के एप्लीकेशन देंगे तो हर कोई एप्लीकेशन थोड़ी देगा, एक लीड एप्लीकेंट बनेगा सर, वो बाकी लोगों का कंसेंट ऑब्टेन करेगा और सबके बिहाफ में राइटिंग में एप्लीकेशन दे देगा। सर मैंने यहां पे आपको बताया था एक क्वेश्चन कि अगर एक कंपनी में 8 शेयर होल्डर हैं उसमें से सर एक शेयर होल्डर जो 1/10 से कम होल्ड करता है वो एप्लीकेशन देना चाहता है, क्या वो एप्लीकेशन दे सकता है? एक बार पॉज करके सोचो सर। सर वो बिल्कुल दे सकता है क्योंकि वो बिकॉज 1/10 ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू 1 और एक बंदा अगर है तो वो वैलिड है इन टर्म्स ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो बिल्कुल एप्लीकेशन दे सकता है सर। यहाँ पे वो केस लॉ है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया था बाद में विड्रॉ कर लिया तो सर राजामुंद्री इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन में लिखा हुआ था कि भैया कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हो बाद में विड्रॉ, हमको फर्क कब पड़ता है जब शुरू में एप्लीकेशन दे रहे हो तब कितने लोग हैं। कैन मेजॉरिटी शेयर होल्डर मेक एप्लीकेशन? सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सर ये तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट ऑपरेशन है ना। सर इन्होंने बोला मेजॉरिटी भी दे सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी के अगेंस्ट भी ऑपरेशन हो सकता है, क्या पता कभी कभी मेजॉरिटी आप शेयर्स कैपिटल के नंबर टर्म्स में हो लेकिन आप नंबर ऑफ पीपल में कम हो। सर मतलब क्या रिलायंस में मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी, एक जना आदमी है इतना बड़ा शेयर होल्डिंग करता है तो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग के टर्म्स में नहीं है, लेकिन अगर मेंबर्स के नंबर ऑफ मेंबर्स के टर्म में देखें तब तो वो माइनॉरिटी हुआ ना, करेक्ट सर। तो 240 पर में आपको एप्लीकेशन की लिमिट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल है तो क्या, शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या, शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल था ना ये, देखा ना आपने
सर ये पेटअप शेयर कैपिटल है क्या? सर इशूड शेयर कैपिटल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्लास में बताया था साइरस मिस्त्री का, फिर से वही केस, इशूड शेयर कैपिटल है सर, और प्रोवाइडेड ऑल द कॉल्स आर पेड। सर पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इशूड शेयर कैपिटल है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेडअप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना लाइक। सुनो सर 242 क्या है? पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल। पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल मतलब क्या सर? जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आया 241 में, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? इफ ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स आर कंडक्टेड इन द मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड और मेंबर्स हिमसेल्फ और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, एंड सर ट्राइब्यूनल को लगता है कुछ प्रेजुडिशियल हुआ तो है, एंड फैक्ट शुड जस्टिफाई पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर अंडर द ग्राउंड्स दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप, बट वाइंडिंग अप वुड अनफेयरली प्रेजुडाइज सच मेंबर। मतलब सर कायदे से तो हमको वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देना चाहिए, लेकिन अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेंगे तो उससे अननेसेसरी मेंबर्स को प्रेजुडाइज होगा, तो सर ट्राइब्यूनल में विद अ व्यू टू ब्रिंग एंड टू द मैटर्स कंप्लेंट ऑफ पास एन ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। सर ट्राइब्यूनल का इंटेंशन क्या होगा? विद अ व्यू टू ब्रिंग एंड टू द मैटर्स, ऐसा चीज करो जिससे जो भी मैटर कंप्लेन हुआ है वो खत्म हो जाए, वो ऑर्डर पास करेगा एज मे बी नेसेसरी विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग, दैट ऑर्डर फॉर द ट्राइब्यूनल में कंटेन फॉर द फॉलोइंग। सर देखो जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा ना उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी होगी। सर पहला 3 पॉइंट शेयर से रिलेटेड, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द मेंबर्स बाय अदर मेंबर ऑफ द कंपनी, या तो बोलेगा या तो कोई और मेंबर खरीद लो या फिर कंपनी तुम खुद शेयर्स खरीद लो। इन केस ऑफ द परचेज इज मेड बाय द कंपनी इटसेल्फ देन ही विल द ट्राइब्यूनल विल पास एन ऑर्डर फॉर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। थर्ड इट मे ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, अगर जबरदस्ती शेयर्स का ट्रांसफर या अलॉटमेंट हो रहा है तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सर। उसके ये तीन के बाद सर 2 पॉइंट जो है ना डी और ये अग्रीमेंट के बारे में बात करता है या फिर ये कोई सेटिंग असाइड के बारे में बात करता है। द ट्राइब्यूनल में टर्मिनेट सेट असाइड और मॉडिफाई एनी agreement between the company or and its managing director, other director or manager, or an agreement between the company or any other person upon terms and conditions that it is just and equitable in the opinion of the tribunal. मतलब सर tribunal agreement बदल सकता है। सर देखो company और MD के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल देगा, लेकिन अगर company और किसी और person के बीच में है ना तो termination etc नहीं कर सकता जब तक वो other person को due notice भेज करके उसका consent नहीं ले लेता। मान लो सर अगर आप किसी से raw material purchase कर रहे हो 10 रुपए में, tribunal order pass कर देगा कि भैया आपसे तुम 8 रुपए में खरीदोगे, ऐसा थोड़ी होगा यार, सामने वाला बेचने को भी तो तैयार होना चाहिए ना, तो यू विल हैव टू टेक अप्रूवल कंसेंट ऑफ द सामने वाला पार्टी। सेटिंग असाइड सर एक सेट असाइड हो गया अग्रीमेंट, दूसरा सेट असाइड क्या करेगा सर? अगर फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है, मतलब सर अगर आप किसी को जानबूझ के प्रेफरेंस दे रहे हो, तो इट विल सेट असाइड एनी एक्शन ऑफ ट्रांसफर डिलीवरी पेमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मेड विद इन 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, विच वुड इफ डन इन द केस ऑफ सॉल्वेंसी वुड बी डीम टू बी फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। सर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? ये दो हो गया अग्रीमेंट का, उसके बाद सर ये तीनों हो गया आपके एमडी से रिलेटेड, रिमूव कर देगा सर एमडी को, उसके बाद कितने अपॉइंट करने वो बताएगा और अपॉइंट करेगा सच नंबर ऑफ डायरेक्टर as may be necessary to report to the tribunal, और सर recovery of undue gains, अगर किसी managing director manager ने अपने period में undue gains किए हैं तो उसका recovery के बारे में बताएगा सर, and recovery के बाद जो पैसे आएंगे उसका utilization क्या होगा, manner of utilization will also be shared, whether it can either be transferred to investor education protection fund or repayment to the identifiable victims। उसके बाद सर ये तीन general points है, regulation of the conducts of affairs of the company in future, imposition of the cost as it may deem fit and other matters as may be just and equitable। सर यहाँ नीचे मैंने memory technique बनाया है, ये देखो यहाँ पे मैंने shares में तीन shares के 3 पॉइंट है, अग्रीमेंट के 2 पॉइंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर के 3 पॉइंट है और जनरल के 3 पॉइंट है। सर कितने एक्रोनिम्स बनाओगे? इतने एक्रोनिम्स बनाओगे तो एक्रोनिम्स का एक्रोनिम्स बनाना पड़ जाएगा, तो ये तरीके से अपने को याद करना पड़ेगा। सर कंपनी फाइल्ड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनसीएलटी, सर जो भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा ना उसको आरओसी के पास 30 दिन के अंदर फाइल कर देना। अगर सर आरओसी को ट्राइब्यूनल को अगर कोई एप्लीकेशन जाएगा ना तो वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि भैया जब तक हम फाइनल ऑर्डर पास नहीं करते तब तक तुम ये इंटरिम ऑर्डर ले लो, ये ट्रांसफर पे इंपोजिशन लगा दो या कुछ भी कर सकता है सर। वेयर ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी मेक्स एन ऑर्डर ऑल्टरेशन इन द एमओए एओए, सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एओए या एमओए या एओए में ऑल्टरेशन करने के लिए ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है ना तो 3 चीजें होंगी। पहला, जब वो ऑर्डर दे दिया तो उससे पूछे बिना तुम ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते जिसमें तुम ऑल्टर कर रहे हो एमओए एओए विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट द ट्राइब्यूनल हैज ऑर्डर्ड। मतलब सर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि मान लो ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% आपको वोट लगेगा, तो आप ऐसा कोई और रेजोल्यूशन पास करके एमओए में टर्म्स नहीं डलवा सकते कि ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए 50% लगेगा। इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। दूसरा पॉइंट क्या है सर? अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, मतलब जो उसने बोला था वैसा आप नहीं अपना एमओए ऑल्टर करते हो, तो कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख to 25 लाख रुपए एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगा 25,000 to 1 लाख रुपए। सर ये अमेंडमेंट है जो नवंबर 2021 से एप्लीकेबल है। उसके बाद सर ऑल्टरेशन मेड टू द एओए एमओए बाय सच ऑर्डर शैल हैव सेम इफेक्ट एज इफ ड्यूली मेड एज पर द प्रोविजन। मैंने बोला था सर 3 पॉइंट है, पहला तुम इनकंसिस्टेंट रेजोल्यूशन इनकंसिस्टेंट
नहीं कर सकते ऑर्डर से, दूसरा कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो क्या पेनल्टी लगेगी, तीसरा जो ऑल्टरेशन एमओए में हो रहा है उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा कि आपने प्रोविजन के हिसाब से किया है। सर आपको पता है ना एओए चेंज करने के लिए 75% का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, अगर एओए चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन नहीं पास किया लेकिन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो मान लिया जाएगा ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है ना वो इस एक्ट के हिसाब से चेंज हुआ है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑल्टरिंग और गिविंग लीव टू ऑल्टर एमओए टू बी फाइल विद द आरओसी। सर जो उसने ऑर्डर दिया या फिर जो उसने लीव दिया आपको ऑल्टर करने के लिए, यहाँ पे जो लीव दिया आपको दिख रहा है वो लीव जो है वो दोनों को 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देना। 243 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अरेंजमेंट। सर हर टर्मिनेशन हर अग्रीमेंट में ना टर्मिनेशन क्लॉज होता है कि अगर कोई भी पार्टी टर्मिनेट करती है ना अग्रीमेंट तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज लगेगा। तो सर अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है ना टर्मिनेशन तो कोई भी वो टर्म्स वैलिड नहीं होंगे। वेर ऑर्डर अंडर सेक्शन 242 टर्मिनेट्स मॉडिफाइड्स और सेट्स असाइड एन अग्रीमेंट सच ऑर्डर शैल नॉट गिव राइज टू एनी क्लेम बाय एनी पर्सन फॉर डैमेज और सीएफएलओ। वेरी इंपॉर्टेंट सर, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और अदर डायरेक्टर हुज अग्रीमेंट हैज बीन सो डिस्क्वालीफाइड सो टर्मिनेटेड शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फॉर 5 years एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल। सर दो चीजें बोला, कोई तो क्लेम अराइज नहीं होगा, दूसरा आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे 5 साल के लिए, 5 साल के पहले अगर आपको अपॉइंट होना है ना तो ट्राइब्यूनल का लीव लेना पड़ेगा सर, लेकिन ट्राइब्यूनल अलाउ नहीं करेगा जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर के नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई फॉर सच लीव टू ट्राइब्यूनल सर्व नहीं कर देते और सीजी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते, मतलब सर ट्राइब्यूनल के पास जाने के पहले सीजी के पास चले जाना, ठीक है सर। अब उस एक और पॉइंट कहता है कि अगर कोई ऐसा केस सीजी ने फाइल किया था जिसमें फिट और प्रॉपर है कि नहीं पर्सन देखना था, जो सर ऊपर मैंने 241 में आपको बताया था, तो सर उस समय अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है कि एक बंदा फिट या प्रॉपर नहीं है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। 5 साल के पहले अगर उसको रीअपॉइंट करना है ना तो सीजी अलाउ कर सकता है सर, लेकिन इस बार ट्राइब्यूनल का लीव लेना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years अगर अपॉइंट करना है सर। तो ऊपर वाले केस में पहले ट्राइब्यूनल अप्रूव कर सकते हैं, इस वाले केस में सीजी अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन in any other provision person removed by such order shall not be eligible for CFLO. sir exam mein ye question bahut aata hai ki CFLO milega kya, CFLO nahi milega 243 ke under. agar sir kisi MDWTD manager ko nikal diye uske baad bhi wo agar continue kar raha hai na to fine lagega us pe 5 lakh rupaye tak ka, ye 5 lakh rupaye bhi amend hua hai sir November 21 attempt se applicable hai ye amendment sir। 245 लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, 16 मिनट हो गए अपन थोड़ा और फटाफट खत्म कर देंगे, 4 मिनट में ही खत्म हो जाएगा सर। क्लास एक्शन मतलब क्या, एक साथ बहुत सारे लोग जाकर के सूट फाइल कर रहे हैं, मान लो सर जैसे कि फाइल होता है, मान लो कि जैसे कि आजकल change.org करके एक ईमेल आता रहता है, या फिर ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ क्लास एक्शन कर रहे हैं कोने कोने में देश में, एक ही चीज़ के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, तो उसको क्लास एक्शन कहते हैं सर। क्लास एक्शन या तो मेंबर्स भी कर सकते हैं या डिपॉजिटर्स भी कर सकते हैं। अभी तक अनलाइक एवरी ऑपरेशन वॉज के अभी तक सारे ऑपरेशन का केस कौन करता था, शेयर होल्डर्स करते थे, मेंबर्स करते थे, अब डिपॉजिटर्स भी कर सकते हैं। वेर मेंबर्स और डिपॉजिटर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन द मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और डिपॉजिटर, सच मेंबर और डिपॉजिटर में फाइल एन एप्लीकेशन विद ट्राइब्यूनल सीकिंग फॉलोइंग ऑर्डर। सर वो ऑर्डर्स इस तरीके से पास कर सकते हैं, इसको भी मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला सर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, दूसरा एमओए एओए से रिलेटेड है, तीसरा कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है, फोर्थ अदर्स। पहला रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सर किस चीज से रोकोगे आप उनको, रिस्ट्रेनिंग कंपनी फ्रॉम एक्टिंग विच इज अल्ट्रा वायरस टू एमओए एओए, ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ एमओए एओए, कॉन्ट्रारी टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड कॉन्ट्रारी टू रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। मतलब सर एमओए के खिलाफ रेजोल्यूशन जो पास किया है उसके खिलाफ या फिर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के खिलाफ कोई भी काम करने से हम उनको रिस्ट्रेन करेंगे। उसके अलावा सर अगर रेजोल्यूशन पास हुए एओए को ऑल्टर करने का तो उस रेजोल्यूशन को वॉइड कर देगा अगर पास बाय सपरेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट्स एंड मिसस्टेटमेंट, अगर ऐसा पता चला कि मटीरियल फैक्ट्स और मिसस्टेटमेंट के बल पे ये पास हुआ है एंड रिस्ट्रेन द कंपनी और डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच ऑर्डर। सर ये क्या हो रहा है, क्लास एक्शन में ये सारी चीजें हो रही है। थर्ड कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं सर फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल या रॉन्गफुल एक्ट के लिए कंपनी से, डायरेक्टर से, ऑडिटर से, ऑडिट फर्म से और एक्सपर्ट और एडवाइजर से। ऑडिटर और एक्सपर्ट एडवाइजर से कब लेंगे सर, अगर उन्होंने कोई इनकरेक्ट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है इन देयर ऑडिट रिपोर्ट और देयर और टू द कंपनी और सर सच अदर रेमेडी एज दे मे फाइंड फिट। मतलब सर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर सकते हो, एमओए एओए का ऑल्टरेशन वॉइड कर सकते हो और कॉम्पनसेशन सीक कर सकते हो और अदर रेमेडी सीक कर सकते हो, कौन सर, मेंबर और डिपॉजिटर 245 के अंडर। सर लेकिन कितने लोग जाकर के एप्लीकेशन फाइल करेंगे भैया, एप्लीकेशन कितने लोग फाइल करेंगे, अगर मेंबर्स फाइल कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कंपनी का शेयर कैपिटल है कि नहीं है। सर यहां पे लिमिट चेंज हुआ है, ध्यान से सुन लेना। अगर सर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो लोअर ऑफ 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सर 244 में लिमिट 10% था, 110 था, यहां पे 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और सर अगर मेंबर होल्डिंग सच परसेंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, सर कितना परसेंट इशूड शेयर कैपिटल डिपेंड करता है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% और लिस्टेड कंपनी है तो 2% प्रोवाइडेड ऑल कॉल्स आर पेड।
कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन एंड द रजिस्टर्ड मेंबर सेम है सर. डिपॉजिट्स में भी अच्छा पॉइंट है कि नॉट लेस देन लोअर ऑफ 100 में डिपॉजिटर्स और 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और सच डिपॉजिटर्स टू हूम कंपनी हैज 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट. मतलब सर बेसिकली यहाँ पे लिमिट 5% है लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी आ जाती है तो 2% पेड अप इशूड शेयर कैपिटल की बात हो जाती है. उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा सर, देखो अब जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आया है ना इस सेक्शन के अंडर, वो 5 चीजें देखेगा. क्या गुड फेथ में एप्लीकेशन आया है, क्या इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्सन का अदर देन डायरेक्टर और ऑफिसर, क्या वो जो लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, क्या वो खुद के राइट पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रादर देन अ क्लास एक्शन, व्हाट आर द व्यूज ऑफ दोज मेंबर्स और डिपॉजिटर्स हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस एंड वेदर द कॉज ऑफ द एक्शन इज एन एक्ट और ओमिशन दैट इज लाइकली टू अकर और हैज ऑलरेडी अकर्ड. सर अगर कुछ होने वाला है तो क्या उसको कंपनी ऑथराइज कर देगी या होने के बाद रेटिफाई कर देगी, या अगर कोई एक्शन हो चुका है तो क्या कंपनी उसको रेटिफाई कर देगी, क्योंकि यार कंपनी अगर रेटिफाई कर देगी तो मेजोरिटी रूल अप्लाई हो जाएगा ना कि शेयर होल्डर्स राजी, मियां बीवी राजी, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा. तो सर इसलिए वो ये चेक कर ली थी कि भैया ये रेटिफाई तो नहीं हो जाएगा ना, पोपट हो जाएगा हमारा, वरना हमने ऑर्डर पास कर दिया और भाई अंदर उन लोगों ने रेटिफिकेशन कर लिया. सर जब एप्लीकेशन 245 में एडमिट होता है ना, ट्राइब्यूनल ये चीजें देखेगा. सबसे पहले पब्लिक नोटिस सर्व करेगा सारे मेंबर्स को, हजरात हजरात हजरात. उसके बाद सर जितने भी सिमिलर एप्लीकेशंस कोई भी जुरिसडिक्शन में है ना, उनको कंसोलिडेट कर देगा एक सिंगल एप्लीकेशन में और सर मेंबर्स और डिपॉजिटर को बोलेगा भाई तुम लीड एप्लीकेंट डिसाइड करो. लेकिन अगर वो कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे ना, तो एनसीएलटी खुद अपॉइंट कर देगा लीड एप्लीकेंट. दो क्लास एक्शन सर कभी भी नहीं अलाउ होगा. कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी डिफरेड बाय द कंपनी. सर जब हम इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पढ़ रहे थे वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्शन वर्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेंट डिफरे करता था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस डिफरे कर रहा है कंपनी. ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी बाइंडिंग हो जाएगा सर कंपनी पे, मैनेजिंग डायरेक्टर पे, ऑडिटर पे, ऑडिट फर्म पे, एक्सपर्ट पे, एडवाइजर्स पे. और अगर आप फेल करते हो कंप्लाई करने के लिए एनसीएलटी के ऑर्डर से तो फाइन लगेगी 5 लाख से 25 लाख. कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जेल भी हो सकती है एंड फाइन अप टू 25,000 to 1 lakh. सर जेल हर जगह से हट गया एक्सेप्ट फॉर क्लास एक्शन. अगर क्लास एक्शन हो रही है बड़ी बात है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 3 साल तक का जेल भी होगा. और एंड फाइन लिखा है सर, एंड फाइन मतलब बहुत बड़ी चीज है. इन केस ऑफ फ्रिवलेस एंड वेक्सेशियस एप्लीकेशन, मतलब सर झूठ मूठ का एप्लीकेशन दे रहे हैं, एनसीएलटी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेशन टू पे एप्लीकेंट टू पे ऑपरेंट पार्टी सच कॉस्ट नॉट लेस देन 1 lakh rupees. सर 246 क्या है, कुछ प्रोविजन 337 से 341 जो है वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे और अगर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल हुआ है 245 के अंडर. ठीक है सर, चैप्टर 9 करें, फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. चलो सर आपको मैं अभी मैं फॉरेन कंपनी कराता हूँ. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया सर इसको प्यार से फॉरेन कंपनी बोलते हैं. सर सेक्शन 379 से शुरू होता है, 393 ए तक जाता है और एक महान सेक्शन है सर 242 आपके जहन में घुस जाना चाहिए सर, वरना नहीं हो पाएगा बॉस. सर चार फॉर्म्स है, चार फॉर्म्स की समरी है. एक बार अपन समरी पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा. दोनों चारों फॉर्म आपको 380 और 381 में ही दिख जाएंगे सर, उसके आगे है ही नहीं. सर सबसे पहले 242 फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. फॉरेन कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट और बाय फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर. सर यहां पे लिखा एंड है लेकिन हम पढ़ेंगे और क्यों, हम पागल हैं क्या? लिखा एंड है और पढ़ेंगे और क्यों, हम पागल हैं क्या? हाँ सर हम पागल हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि वुड अ बॉडी, अगर सर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लेंगे, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एंड लिखा है तो और पढ़ेंगे ताकि हमको इंटेंशन लॉ का सर्व हो. तो अगर आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर किसी भी और तरीके से अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो आपको मान लिया जाएगा फॉरन कंपनी, प्रोवाइडेड आप इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में, सॉरी आउटसाइड इंडिया में. सर फॉरन कंपनी जो होती है ना, कंपनीज एक्ट में कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आती सेक्शन 220 में, लेकिन कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन 211 में उसमें आ जाती है. सर फॉरन कंपनी का रजिस्ट्रार कौन होगा? सर वो रजिस्ट्रार जिसका जुरिसडिक्शन है न्यू दिल्ली पे, न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए सर. अगर सर एक कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इंडिया में आकर के सारा बिजनेस डिसीजन लेता है तो उससे कोई वो बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी नहीं हो जाती. फॉरेन कंपनी मतलब सर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए या फिर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो इंडिया में, डिसीजन वगैरह इंडिया में लेने से कुछ नहीं होता है. सर अगर आप कोई एजेंट इंडिया में ऑथराइज कर रहे हो जो आपके बिहाफ में कस्टमर फाइंड करेगा और आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो उससे प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है सर और मानेंगे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है. प्लेस ऑफ बिजनेस टू इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रार ऑफिस. सर एसटीओ और एसआरओ लिख दोगे तो हमको कैसे पता चलेगा? सर अरे भैया समरी है, मेन नोट्स नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद होगी, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है. इसलिए एसटीओ एसआरओ शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रार ऑफिस. सर अगर इफ अ पर्सन इज नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस एज अ फॉरेन कंपनी ही शैल बी लायबल फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 210. सर ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ गया था, बताओ कोई बात होती है ये क्वेश्चन बनाने की? सर प्लेस ऑफ बिजनेस वाया ई मोड, सुनो प्लेस ऑफ बिजनेस वाया ई मोड मतलब क्या सर? अगर आप बोले तो क्या कैरिंग ऑन बिजनेस, इफ यू आर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली वेदर और नॉट योर मेन सर्वर इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर ये ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो ना सर हम बोलेंगे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. अगर आप B2B B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब सर उड़ान है आपका या अमेजोन है, सर इंडिया के कंपनीज का भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस बिजनेस पर्पज समझो, या फिर डेटा इंटरचेंज या अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन कर रहे हो सर, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया जो डिजिटल सप्लाई कर रहे हैं, या फिर सर अगर आप ऑफरिंग टू एक्सेप्ट और इनवाइटिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी फ्रॉम टू सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन इन इंडिया,
डेटा फॉलोइंग सर्विसेज फाइनेंशियल सेटलमेंट वेब बेस्ड मार्केटिंग एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शन सर्विसेज डेटा बैंक सर्विसेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली कम्युनिकेटिंग टेली मार्केटिंग टेली मेडिसिन एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन। सर ये याद करना तो पड़ेगा हल्का हल्का। मैंने लिखा है TDSOC टी ट्रांजेक्शन सर, डी आप डिपॉजिट से ले रहे हो, एस सर्विसेज, ओ ऑनलाइन और सी कम्युनिकेशन। सर ऑनलाइन की तो आपको चीजें याद होगी, टेली मार्केटिंग टेली कम्युनिकेटिंग टेली मेडिसिन और एजुकेशन एंड रिसर्च। फॉलोइंग सर्विसेज कौन से सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि रेजर पे हो गया, गूगल एड्स हो गया और डेटाबेस सर्विसेज मतलब सर जैसे कि ओरेकल देता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आप याद कर लो, याद हो जाएगा। 337 सर 337 कहता है कि आपको फॉरेन कंपनी होने से होगा क्या, फॉरेन कंपनी होने से आपको 382 386 एंड 392 एंड 393 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। 387 से 391 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सर इसके बाद एक पॉइंट था कि फॉर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर है, उसका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, वो ओमिट हो गया है। वो ओमिट नहीं हुआ है सर, वो जाकर के नया सेक्शन बन गया 393A जो आपके सिलेबस में है, आपको आरटीपी में अमेंडमेंट में भी आया है सर। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अगर एक फॉरेन कंपनी है, ध्यान से सुनना, अगर एक फॉरेन कंपनी है, ये पॉइंट तभी लगेगा अगर आप फॉरेन कंपनी हो, मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अगर एक फॉरेन कंपनी है सर, अगर 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल उस फॉरेन कंपनी का होल्ड करता है कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया या फिर दोनों मिला करके, सर सच कंपनी विल कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडियन बिजनेस एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब सर अगर जैगवार है या लैंड रोवर है, यही तो एग्जांपल है सर, अगर जैगवार या लैंड रोवर का कोई इंडियन बिजनेस है और उसमें रतन टाटा जो इंडियन सिटीजन है वो ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा बिजनेस का कंपनीज एक्ट का प्रोविजन एज इफ इट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इन इंडिया। बट सर ये प्रोविजन एप्लीकेबल तभी होगा जब आप फॉरेन कंपनी हो, और यहां पे सर पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहा है, इक्विटी और कैपिटल दोनों मिला करके। सर अगर एक इंडियन सिटीजन है, वो सिंगापुर में जाके बिजनेस खोलता है और सिंगापुर में ही बिजनेस करता है, क्या वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी? हां सर इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन की कंपनी है तो हमारे भारत की कंपनी हुई। नहीं भैया, सिटीजनशिप से फर्क नहीं पड़ता, प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या इंडिया में? नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी। फर्क नहीं पड़ता कौन प्रमोटर है, कौन फाउंडर है, कौन शेयर होल्डर है। सर अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है, फॉरेन पर्सन 100% फॉरेन शेयर होल्डिंग है, बाहर के सारे लोग होल्ड करते हैं, तब भी भैया इंडियन कंपनी कहलाएगी ना, फॉरेन कंपनी कहां से हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है। सर 380 वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आप रजिस्ट्रार को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन दोगे? आप कौन हो सर? फॉरेन कंपनी। हर फॉरेन कंपनी शिल विद इन 30 डेज फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या सर? मैंने इसका शॉर्टकट दिया है, कार पीडीसी मतलब कार खरीदने के लिए पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, कार सी सर, चार्टर डॉक्यूमेंट्स डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, ए फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। सर जो इंडिया के बाहर, मतलब टेस्ला अगर इंडिया में आ रही है तो टेस्ला का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफिस है, फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी डीम टू बी प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस, तो सर A2 हो गया। उसके बाद आर मतलब सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रेसिडेंट इन इंडिया, उसका नाम और एड्रेस जिसको हम नोटिस सर्व करेंगे। सर PDCP particulars of opening or closing of place of business in India in earlier occasions, D sir list of all the directors and secretary of the company, उनका नाम, पापा का नाम, पिता का नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब देना पड़ेगा सर आपको। Declaration that none of the director or authorized representative were convicted from फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी सर कब, जब आप इन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। सर ये चीजें याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी उठ करके। सर ये डॉक्यूमेंट्स आप कौन से फॉर्म में दोगे? यहाँ पे लिखा है फॉर्म FC1 में, पर सर FC1 में एड्रेस फाइल कर दिया, अब एड्रेस चेंज हो गया तो डॉक्यूमेंट का डिटेल चेंज हो गया। एनी ऑल्टरेशन टू डॉक्यूमेंट्स विल बी फाइल टू दी ROC विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्टरेशन इन FC2, जैसे कि सर DIR 3 और DIR 6 था ना, अच्छा छोलो वो दरवाजे मत खोलो अभी जाने दो। सर DIR 3 और DIR 6 जैसे था वैसे ही FC1 है, FC2 है। FC1 में आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करते हो, FC2 में ऑल्टरेशन के लिए फाइल करते हो। सर जब भी आप FC1 फाइल कर रहे हो ना, उसके पहले ध्यान रखना आपको अप्रूवल ऑफ RBI लगेगा या फिर अदर रेगुलेटर्स या फिर एक डिक्लेरेशन लगेगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, अप्रूवल नहीं चाहिए क्योंकि भैया बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हो, RBI के अप्रूवल के बिना फेमा के अंडर रहे कैसे चलेगा। इफ अ फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सर अगर फॉरेन कंपनी आई थी प्लेस ऑफ बिजनेस खोली थी लेकिन अब सीज हो गई फॉरेन प्लेस ऑफ बिजनेस होल्ड करना, तो सर फोर्थविथ इन्फॉर्म कर दो आप नोटिस देकर ROC को, और सर जिस दिन इन्फॉर्म कर दोगे उस दिन से आपका ऑब्लिगेशन खत्म हो गया। 381 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, 380 और 381 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। क्या कहते हैं सर, अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, जो कंपनी है हर फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म्स पर्टिकुलर एनेक्सर में, और एक कॉपी डिलीवर करना पड़ेगा ROC को। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकता है कि फॉरेन कंपनी तुम ये मत करो। सर अगर आपका इंग्लिश में नहीं है ना आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन डालो, और सर FC सेंड करेगा इसको, FC जब ROC को सेंड करेगा ना उसके साथ प्लेस ऑफ बिजनेस जितने भी आपके इंडिया में है बैलेंस शीट डेट में, वो भी FC3 में डाल देना सर। FC1 मेन डॉक्यूमेंट्स, FC2 ऑल्टरेशन, FC3 लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर ये तो हो गया
बेसिक, जैसा हम आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वैसा बना लेना सर। इन्होंने प्रेस्क्राइब किया, बोले प्रेस्क्राइब करके बोले एज पर शेड्यूल 3 ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर आपको बनाना पड़ेगा, चैप्टर 10 चैप्टर 9 का जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है उसका कंप्लायंसेस कर लेना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी का भी, मतलब सर टेस्ला के इंडिया में छोटा सा कार शोरूम भी खोलता है ना, तो टेस्ला का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको भेजना पड़ेगा आरओसी को, अगर इंग्लिश में नहीं तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। उसके अलावा सर कुछ और स्टेटमेंट अटैच करने पड़ेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, रिपैट्रिएशन प्रॉफिट के, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के, और सर टाइम लिमिट क्या है अबव डॉक्यूमेंट्स के डिलीवरी का, 6 महीने के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से, एंड आरओसी में बाय एप्लीकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट बाय 3 मंथ्स, ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म। सर यहां पे सीएस मत लिख के आ जाना, ऑडिट सिर्फ अपन ही करेंगे। सर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 सेक्शन 139 से 148 ऑडिट और ऑडिटर्स का अप्लाईज म्यूटाटिस म्यूटांडिस, समझा सर? सर सुनो ना, 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन आपको 6 महीने फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा और मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, बस याद दिला रहा हूं आपको। आगे बढ़ो सर, ये एग्जाम क्वेश्चन का आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था सर, क्या लिखा है? नोट रिगार्डिंग सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। सर जो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होता है, जो हम हर बार कह रहे हैं इंग्लिश में कर देना इंग्लिश में कर देना, अरे इंग्लिश में करके कौन देगा, हमको कैसे पता चलेगा कि अरेबिक में लिखा था तो ठीक से इंग्लिश में करके दिया है? तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? वेर अ ट्रांसलेशन इज मेड within India, then it shall be authenticated by an advocate, attorney or pleader entitled to appear before the High Court or an affidavit of a competent person which in the opinion of registrar has adequate knowledge of both the language original or English, मतलब Arabic और English दोनों का जिसको knowledge है, अगर कोई ऐसा competent person है तो उसके affidavit देने से भी हम मान लेंगे authenticated है। सर उसके बाद एक और question आया था out of syllabus, companies registration of foreign companies rule में लिखा हुआ है कि annual return file करना पड़ता है आपको form FC4 में 60 दिन के अंदर from the close of the financial year, मतलब सर 31 मार्च को financial close होता है, 30 मई के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल कर देना आरओसी को जिसमें सच पर्टिकुलर्स रहेंगे जो भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे। सर ये एग्जाम में आगे एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, हमको नहीं पता था, फॉर्म FC4 में फाइल करना पड़ेगा, आपके चारों फॉर्म्स हो गए खत्म। सर 382 नाम हर जगह चिल्ला चिल्ला के बता देना, भैया हम बोल रहे हैं इंडिया में चाइना को बैन करेंगे, जब तक पता ही नहीं रहेगा तुम चाइना की कंपनी को बैन कैसे करेंगे, तो इन्होंने बोला हर जगह चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बता देना, हर ऑफिस एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया के बाहर, या फिर सर आपका हर बिजनेस लेटर बिल हेड्स लेटर पेपर्स नोटिसेस और अदर पब्लिकेशन में नाम बता देना, अपनी कंपनी का कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता देना, और अगर आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो भी बता देना। लेकिन सर अगर ऑफिस के नाम ऑफिस के बाहर ना आपको नाम अपना बताना पड़ेगा इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में जो भी लोकेलिटी में, मतलब आप मान लो अगर आप आंध्र प्रदेश में हो तो तेलुगु में बता दो, लेकिन सर आपके लेटर हेड में अभी इंग्लिश तेलुगु सब नहीं लिख सकते ना, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश में बता देना, लोकल लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। 383 सर्विस ऑफ नोटिस, सर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर फॉरेन कंपनी को नोटिस सर्व करना है, किसी फॉरेन कंपनी पे नोटिस सर्व करना है आरओसी को, तो आरओसी कैसे सर्व करेगा? एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन फॉरेन कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड इफ एड्रेस्ड टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 380 एंड लेफ्ट एट और सेंट बाय पोस्ट और ईमेल एट सच एड्रेस। सर अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस करके उसको भेज देते हो ना, तो हो गया सर काम खत्म, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर कुछ प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, 71 के हिसाब से डिबेंचर का जो प्रोविजन है, 92 और 135 के हिसाब से एनुअल रिटर्न और सीएसआर का, 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, चैप्टर 6 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, और चैप्टर जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी का है। सर इंस्पेक्शन इंक्वायरी का आपको याद होगा सेक्शन 228 में भी लिखा हुआ था कि फॉरेन कंपनी को ये प्रोविजन सारे चैप्टर के पूरे एप्लीकेबल हो जाएंगे। 385 में सर फीस जो भी आपको प्रिस्क्राइब लिखा है वो फाइल करना पड़ेगा। 386 में इंटरप्रिटेशन है सर, एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी तो लिखा रहता है। सर यहां पे तो आपने पूरा डेफिनेशन लिख दिया, वहां पे तो आप बड़ा बोल रहे थे कि याद रखना पड़ेगा, अरे तो तुमको याद नहीं आएगा तो डीमोटिवेट ना हो करके लिख दिया मैंने, तो टेंशन मत लो। सर 387, 388, 389 ये तीनों बात करता है प्रोस्पेक्टस के बारे में अगर बाहर की कंपनी है। सर एक चीज याद कर लो प्लीज, सर ये 387, 388, 389 ना फॉरेन कंपनी को नहीं एप्लीकेबल होता है, ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वालों को एप्लीकेबल होता है। मतलब सर चाहे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, चाहे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर आप इंडिया से आके पैसे उठाना चाहते हो, प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हो, 387, 388, 389 लग जाएगा। क्या है सर, आप प्रोस्पेक्टस तब तक इशू मत करना फॉर सब्सक्राइबिंग ऑफर सिक्योरिटी अनलेस सच प्रोस्पेक्टस इज डेटेड इन साइन। जब तक सर प्रोस्पेक्टस को आप डेट पे नहीं भेजोगे तब तक आप प्रोस्पेक्टस को इंडिया में इशू मत करना। अरे डेट पे नहीं भेजोगे क्या, डेट नहीं करोगे उसमें डेट नहीं डालोगे तब तक उसको मत इशू करना। एंड इट शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, सर क्या क्या पर्टिकुलर्स? पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, प्रोविजन जिसके अंडर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, और एड्रेस जहां पे ये इंस्ट्रूमेंट और प्रोविजन हम देख सकते हैं फिजिकली, और सर डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड वेदर सच कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर है तो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है। सर इससे पता चलता है कि कंपनी अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं भी है तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। और सर वो मैटर्स जो सेक्शन 26 में लिखा है, सेक्शन 26 में क्या लिखा है सर, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ये तीनों चीजों का
आपका कंप्लायंस होगा तभी जाके प्रोस्पेक्टस इशू करने देंगे। लेकिन सर ये तीनों पॉइंट देख रहे हो, 1, 2, 3 इंस्ट्रूमेंट और इनकॉर्पोरेशन और एड्रेस, ये तीनों आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप अपने इनकॉर्पोरेशन के 2 साल के बाद प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो। हम नहीं चाहते एक नई कंपनी, नई नवेली इनकॉर्पोरेट हो, इंडिया में आके पैसे उठा करके गायब हो जाए। 2 साल अगर हो गए ना तो आपको ये 3 चीजें हमको नहीं देनी पड़ेगी, बाकी आप दे सकते हो, देना पड़ेगा। सर ये जो ऊपर के कंप्लायंसेस है ना कोई वेव ऑफ नहीं कर सकता। और सर अगर आप एप्लीकेशन इशू कर रहे हो जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हो, जिससे पैसों फॉर्म भरवा रहे हो जिससे एप्लीकेशन होता है, तो सर फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी शैल बी इशूड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोस्पेक्टस के साथ इशू कर रहे हो और वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कॉन्ट्रावीन नहीं कर रहे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 388 अगले अभी हम पढ़ेंगे सर। वेयर सच फॉर्म इज इशूड फॉर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, सर अगर अंडरराइटिंग के पर्पज से अगर आप फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन पहले इशू कर रहे हो ना प्रोस्पेक्टस के अलावा तो आप कर सकते हो। सेक्शन 387 शैल नॉट बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस को डेट पे तो भेजना, डेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सर उसके अलावा ये 2 केस में आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा अगर आप अपने एक्जिस्टिंग मेंबर्स हो गया डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हो, या फिर सर अगर आप सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो विच इज यूनिफॉर्म विद सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड, आपने पहले ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू कर लिया उसी को इशू कर रहे हो फिर से उसी तरीके से इशू कर रहे हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, हमने को अपने कोई प्रोविजन नहीं लगेगा। सर 388 बड़ा सिंपल है, अगर आपके प्रोस्पेक्टस में कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है जिसमें आप कंपनी का वैल्यूएशन या कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन या ऐसा कुछ बता रहे हो तो सर आप वो तब तक वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका रिटन कंसेंट नहीं, किसका सर एक्सपर्ट का, और रिटन कंसेंट विदड्रॉ नहीं हुआ है बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको सर आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए भेजोगे। एंड सर एक स्टेटमेंट आपने प्रोस्पेक्टस में डाला है कि एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट हमारे पास आ गया है और वो विड्रॉ भी नहीं हुआ है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी आप इशू करना। अ स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस इफ इट इज कंटेन्ड इन एनी अदर रिपोर्ट और मेमोरेंडम अपीयरिंग ऑन द फेस थेरऑफ और बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयरिन। सर 389 क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करवाने के पहले उसको रजिस्टर करवा लेना, रजिस्टर करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को भेजना। सर्टिफाइड कॉपी मतलब सर सर्टिफाई कौन करेगा, एडवोकेट? नहीं भैया, ये सर्टिफाइड कॉपी कंपनी करेगी, सर्टिफिकेशन बाय ए चेयरपर्सन और एंड 2 अदर डायरेक्टर्स। कौन डायरेक्टर सर? वो लोग जिसको अप्रूव करेगा रेजोल्यूशन बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी। सर मैनेजमेंट बॉडी क्यों लिखा है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लिखा है? सर फॉरन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, किसने बताया आपको? पता नहीं अपने को, इसलिए मैनेजिंग बॉडी बोल दिया। प्रोस्पेक्टस में यह भी लिखा होना चाहिए कि भैया एक कॉपी हम आरओसी को डिलीवर कर रहे हैं, कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट अगर है, अगर आपने एक्सपर्ट का कोई ये लिया है ओपिनियन तो उसका कंसेंट भी अटैच करना पड़ेगा। एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, कौन सा अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब है सर? वापस से एक्सपर्ट कंसेंट लिख गया, पीछू ही पड़ गए एक्सपर्ट कंसेंट के। और सर उसके बाद कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अंडर राइटिंग अग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी अगर डायरेक्टर्स के अलावा कोई उनका ऑथराइज एजेंट साइन कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस को, ये सारी चीजें आपको भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। 390 सर ऑफर्स ऑफ आईडीआर, आईडीआर का कॉन्सेप्ट मैं नहीं आपको अभी समझाऊंगा, पॉइंट सिर्फ इतना है सर आपको समझना है कि आईडीआर से रिलेटेड अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आकर डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करना चाहती है तो प्रोसीजर वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा और कंपनी को ना सेबी आईसीडीआर और आरबीआई डायरेक्शंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। 391 से प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 एंड चैप्टर 34-36 इन चैप्टर बाइंडिंग अप वाला वो एप्लीकेबल हो जाएगा सर। 392 पनिशमेंट फॉर दी कॉन्ट्रावेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी सर। क्या प्रोविजन है कि अगर आप फॉरेन कंपनी हो और आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो फॉरेन कंपनी आपको पेनल्टी लगेगी 1,00,000 से 3,00,000 रुपए और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 50,000 पर डे है सर, बहुत बड़ी पेनल्टी है 50,000 पर डे। सोचो यूं समझ लो डॉलर का सोच के रखा, 70-80, 700-800 डॉलर रखना था उसको, इसलिए 50,000 डॉलर रख दिया। ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है सर? 25,000 से 5,00,000 की पेनल्टी लगेगी सर। एक चीज ध्यान रखना, कंपनी के मैक्सिमम से ज्यादा ऑफिसर इन डिफॉल्ट का पेनल्टी है और जेल वगैरह कुछ नहीं लगेगा सर, पहले जेल लगता था इन्होंने हटा दिया। सेक्शन 393 सर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इन्होंने एमटीपी में भी डाल दिया और शायद जनवरी में आग भी गया था सर। सेक्शन 393 कहता है कि अगर कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इट विल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स लाइबल। सर अगर कोई कंपनी प्रोविजन कंप्लाई नहीं करती है ना तो उसके ऊपर उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए उसकी वैलिडिटी खराब नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी किसी पे केस करना चाहती है ना तो तब तक नहीं कर सकती जब तक वो अपने कंपनी वो जो है वो कंप्लाई नहीं कर लेती इस प्रोविजन के साथ। 393 सर जो मैं आपको बता रहा था ऊपर 379 में इन्होंने प्रोविजो से हटा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके किसी भी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है इस प्रोविजन से, लेकिन सर एक कॉपी जो है आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। सर नोट्स और एडिशनल लिंक्स जो भी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि बेटर हो सकता है, आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम। एंड सर अपने को और भी रिवीजन करने हैं, सारे चैप्टर्स के रिवीजन आएंगे, तो ये जो प्लेलिस्ट, ये जो वीडियो है जिस प्लेलिस्ट में जा रहा हूँ ना, उस प्लेलिस्ट को अपने नोटिफिकेशन में डाल दो ताकि उसमें जब भी वीडियोस ऐड होंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमको फेमा भी रिवाइज करना है, वाइंडिंग अप भी रिवाइज करना है, इंसॉल्वेंसी भी करना है, सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं सर। बने रहिए, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।